दोस्तों शुरू करते हैं हमारा मल्टी रेंडर टाइपोग्राफी और टेक्स्ट एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। मल्टी रेंडर इसलिए कह रहा हूं कि जो दो टेक्स्ट एनिमेशन स्टाइल हमें यहाँ पे दिखा रहा हूं हमारी टाइपोग्राफी के लिए, उसके थ्रू आप वेरियस काइंड ऑफ मल्टी रेंडर्स निकाल सकते हो। बस आपको अपने पैरामीटर्स को वेरिएबली यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे एक टाइपोग्राफी वाला वर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इस टाइपोग्राफी को यूज करने के लिए, एनिमेशन जनरेट करने के लिए, टेक्स्ट एनिमेशन हम यहाँ पे एक्सप्रेशन को यूज करने वाले हैं, बट उसके लिए सबसे पहले आपको एक सिंगल, कम से कम एक सिंगल एनिमेटर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एनिमेट को ओपन कर रहा हूं और मैं यहाँ पे सपोज पोजीशन को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है पोजीशन का जो भी वैल्यू आपको अप्लाई करना है आप कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे वाई का वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ और इसको नीचे की तरफ कुछ ऐसे में लेके जाता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ एड में जाना है, सिलेक्टर में जाना है और यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन चूज कर लेना है। तो जैसे ही आपने एक्सप्रेशन चूज कर लिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट वेरिएशन और एक एनिमेशन जनरेट हो गया है। जैसे अगर आप रेंज सिलेक्टर को यहाँ पे यूज करते हो तो एक एनिमेशन आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है जो हमारा बेसिक पोजीशन का एनिमेटर है, ठीक है। बट यहाँ पे हम एक्सप्रेशन के थ्रू इसको एक बाउंसी स्केल एनिमेशन में जनरेट करेंगे। तो जो एक्सप्रेशन को यहाँ पे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट का ऑप्शन मिलता है, और जैसे अमाउंट को आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो ये एक्सप्रेशन बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा जहां पे आप अपना एक्सप्रेशन टाइप कर सकते हो। तो मैंने मेरा एक्सप्रेशन यहां से कॉपी करना है, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं मेरा एक्सप्रेशन और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आके मैं इस एक्सप्रेशन को यहां पे पेस्ट कर देता हूं। अब मैं अगर इसको प्ले करता हूं तो अगर आप देखोगे यहां पे तो देखो एक अच्छा खासा बाउंसिंग इफेक्ट यहाँ पे टेक्स्ट के स्केल के अंदर जनरेट हो रहा है। सो अब जैसे गाइस हमने स्टार्टिंग में बात की मल्टी रेंडर आप निकाल सकते हो, तो यहाँ पे अगर मैं एक्सप्रेशन को ओपन करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेते हैं तो पूरा एक्सप्रेशन आपके लिए यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। और आप देखो यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स है। सबसे पहले डिले का वेरिएबल जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 0.04 है, अगर मैं यहाँ पे इसको 10 कर देता हूं 0.10, और अब अगर इस एनिमेशन को आप प्ले करो तो यहां पे आप देखो कि बहुत टाइमिंग के अंदर चेंजेस आया, जो पहले चेंज था उससे बेटर चेंजेस आया, आपको बाउंसीनेस थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और वेरिएबल जैसे फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ पे चेंज करके मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट लाइक 7, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड में थोड़ा फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। आप देखोगे बहुत ही स्पीड में ये बाउंसीनेस जनरेट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ा हाई हो गया, इसके एनिमेशन का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हाई हुआ। तो वापस अगर इसको चेंज कर दो और मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिर से 3, और यहाँ पे अभी एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब जो फ्रीक्वेंसी है स्केल का उसकी साइज के अंदर चेंज, तो मैं अगर यहां पे 30 की जगह पे 60 अप्लाई करता हूं तो आप देखोगे इसके अंदर वेरिएबल में चेंज आएगा। आप देखो हल्का सा उसके अंदर क्या हो रहा है, बाउंसीनेस स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा और फिर स्टेडीली वो स्लो हो रहा है। उसके बाद डीके का ऑप्शन है, तो अगर मैं डीके को यहां पे 8 की जगह पे मैं यहां पे सपोज कर देता हूं 6 मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, डीके कम कर रहा हूं, तो आप देखोगे कि ये जल्दी एनिमेट होगा, एक बहुत ही ज्यादा वेरिएबल आपके लिए क्रिएट कर रहा है। देख रहे हो आपको एनिमेशन एंड में जल्दी से खत्म हो रहा है, बस स्टार्टिंग में देखो अच्छा खासा एक वेरिएबल जनरेट कर रहा है। अब जैसे मैंने कहा ये तो एक सिंगल एनिमेटर के साथ हुआ, अब उसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड में जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, उसके साथ मैं ऐड करने वाला हूँ रोटेशन भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल एनिमेटर्स हो गया, इसका रोटेशन मैं अप्लाई कर रहा हूँ ऑलमोस्ट कुछ मैंने 126 डिग्री अप्लाई किया। अब अगर इसको प्ले करते हो तो आप देखो क्या हो रहा है, मेरा रोटेशन भी साथ में एड हो गया, ठीक है। तो आप इंडिविजुअली एनिमेटर के साथ भी प्ले कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो मल्टीपल एनिमेटर के बाद भी ये एक्सप्रेशन लगा कि इसके वेरिएबल के अंदर चेंज करके मल्टी, मैंने जैसे क्या मल्टी रेंडर निकाल सकते हो एक सिंगल एनिमेशन के एक्सप्रेशन को यूज करते हुए टाइपोग्राफी एनिमेशन एक्सप्रेशन या टेक्स्ट एनिमेशन एक्सप्रेशन के लिए। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। अब जंप करते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, तो इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ और चलते हैं हमारे दूसरी कॉम्प के अंदर। अब मैं सबसे पहले इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ पे और मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ यहाँ पे मेरे लिए म्यूजिक वीडियो, जो मेरा वर्ड था अभी जो आपने देखा वही वर्ड मैं क्या कर रहा हूँ फिर से टाइप कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और उसका शेड में चेंज कर देता हूँ यहाँ पे व्हाइट कलर के अंदर, तो ये मैंने चेंज कर दिया और इसको अलाइन कर देते हैं। पहले एंकर पॉइंट सेंटर अलाइन कर दिया और इसको कंपोजिशन के सेंटर में टेक्स्ट को हमारे अलाइन कर देते हैं टेक्स्ट लेयर को, ठीक है। अब ये बहुत ही इजी है, इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल के अंदर जाना है। सो अब गाइज आपको इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल के अंदर यहाँ पे टाइप करना है FLU। तो जैसे ही आप टाइप करोगे यहाँ पे आपको एक प्रीसेट दिखेगा लाइट एंड ऑप्टिकल के अंदर,
जो है फ्लोरोसेंट लाइट, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है हमारे टैक्स लेयर के ऊपर। अब अगर आप इसको प्ले करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपका फ्लिकरी टैक्स एनिमेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है और बहुत ही अमेजिंग ये लग रहा है। अब इसके अंदर आप चाहो तो वेरिएबल्स से चेंज ला सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट एक एनिमेटर को जनरेट करता है यहाँ पे आप देख रहे हो, और एनिमेटर के अंदर आपको यहाँ पे वेरिएबल्स मिलते हैं ऑप्शन यहाँ पे, और इसकी वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो। सपोज मैं इसको यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं हल्का सा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ और इसको मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ यहाँ पे। अब अगर प्ले करोगे तो और भी वेरिएबल वे पे यहाँ पे प्ले होगा, आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे ये प्ले हो रहा है। अब जैसे मैंने इसको भी कहा था कि आप इसको भी वेरिएबल वे पे यूज कर सकते हो, करना क्या है आपका मेन एनिमेशन जनरेट हो चुका है, अब आप चाहो तो इसके ऊपर यहाँ पे चले जाओ और एक और इफेक्ट अप्लाई कर दो जिसे हम कहते हैं ग्लो इफेक्ट। मैं यहां से इसके ऊपर ग्लो अप्लाई कर देता हूं। अब जैसे ही आपने ग्लो अप्लाई कर दिया है, अब अगर इसको एनिमेशन को प्ले करते हो तो देखो एक ग्लोइनेस भी अच्छा खासा यहाँ पे आपको ब्लिंक होते हुए दिख रहा है। इसको अभी आप क्या कर सकते हो ग्लो इफेक्ट को यहाँ पे डुप्लीकेट कर दो एक बार, और डुप्लीकेट इफेक्ट एक ऊपर वाला है, नीचे वाले में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको कम कर रहा हूँ और रेडियस को थोड़ा मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, इंटेंसिटी थोड़ा हम इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक दिस। अब इसको प्ले करो तो एक अच्छा खासा अलग सा ग्लोइनेस वाला इफेक्ट आपको फ्लिकरी टेक्स्ट का देगा यहाँ पे। इसके अलावा और एक रैंडम में आपको लाना है कि जैसे इसको म्यूजिक वीडियो के लिए जनरेट करना है कलरफुल टेक्स्ट से ही आपको, तो आप यहाँ पे क्या करोगे इस इफेक्ट को सिलेक्टेड रखोगे और यहाँ पे चले जाएंगे हम इफेक्ट के अंदर जनरेट में चले जाएंगे और यहाँ से आप फील वाला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दो और इस फील को क्या करोगे टॉप ऑफ द सभी इफेक्ट के सबसे टॉप के ऊपर लेके चले जाओ और यहाँ पे जो भी शेड्स चाहिए आप यहाँ पे की अप्लाई करते जाओ। मैंने यहाँ पे की अप्लाई कर दिया, अब एक सेकंड पे जा रहा हूं, यहाँ पे जाके मैं वापस से मेरा शेड चेंज कर देता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ से वापस थोड़ा आगे जा रहे हैं, यहाँ पे मैं शेड चेंज करता हूँ कुछ ऑलमोस्ट पर्पलिश काइंड ऑफ शेड मैंने चूज किया और एट द एंड हम यहाँ पे आते हैं 3 सेकंड के ऊपर और यहाँ पे भी मेरा शेड चेंज कर देता हूँ कुछ फ्लोरोसेंट ग्रीन की तरफ। तो अब अगर इसको प्ले करते हो तो आप देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा म्यूजिक वीडियो टेक्स्ट इफेक्ट जनरेट हो रहा है। सो मैंने यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई, एक टेक्स्ट एनिमेशन हमने जनरेट किया एक्सप्रेशन के थ्रू और दूसरा हमने जनरेट किया एक ऑलरेडी इनबिल्ट आफ्टर इफेक्ट प्रीसेट के साथ हमारा टेक्स्ट एनिमेशन टाइपोग्राफी एनिमेशन। तो अब और उसके थ्रू हमने मल्टीपल वेरिएबल्स भी देखे। सेम चीज अगर आप चाहो तो जैसे मेरा बाउंसी टाइपोग्राफ हमने क्रिएट किया था उसी के ऊपर अगर आप वापस से फ्लोरोसेंट डालना चाहते हो तो अगर मैं यहाँ पे एफ एल यू कर दूं, पर यहाँ पे आप डालोगे कैसे उसको इस एनिमेटर के अंदर नहीं डालना है अलग से डालना, तो आप चाहो तो अंदर भी डाल सकते हो कोई इश्यू नहीं है, परफेक्शन आपको मिलेगा एक्सप्रेशन के थ्रू आपको वहां पे वेरिएबल मिलेंगे। बट मुझे क्या करना है यहाँ पे टेक्स्ट मैंने सिलेक्टेड रखा है और यही फ्लोरोसेंट इफेक्ट क्या डाल रहा हूं मैं यहाँ पे इसके ऊपर डाल रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप इसको भी प्ले करते हो तो देखो इसके अंदर भी वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा अमेजिंग आउटपुट आपको दे रहा है। सो दो एनिमेटर को यूज करते हो, एक एक्सप्रेशन और एक आफ्टर इफेक्ट से इनबिल्ट प्रीसेट के साथ हमने मल्टी रेंडर टाइपोग्राफी एनिमेशन या मल्टी रेंडर टेक्स्ट एनिमेशन यहां पे जनरेट किया है जिसके आउटपुट अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए वेरिएबल और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल ट्यूटोरियल्स लेके आता हूं, और कमेंट में जरूर मेंशन करना मेरे ट्यूटोरियल आपके लिए कितने यूजफुल होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय गाइस।